महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड दौरे पर हैं। ऐसे में अपने दौरे के पहले दिन वह आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान कुलपति मनमोहन सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 112वें अखिल भारतीय किसान मेले में पहुंची और यहां विश्वविद्यालय द्वारा लगाए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। वहीं इसके बाद कोश्यारी ने गांधी हॉल में किसानों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में भगत सिंह कोश्यारी ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह एक किसान के बेटे हैं, इसीलिए वह इस किसान मेले को देखने रुद्रपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का किसानों की आय बढ़ाने में अहम योगदान है। देखिए, मैं हो गया भैया एक किसान का बेटा हूं और किसान मेले में पहुंचा हूं और सौभाग्य से किसान मेले में अभी तक मैं जो देख रहा हूं, हमारे विश्वविद्यालय के यहाँ के जो बच्चे हैं वो अनेक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय का वैसे बहुत बड़ा योगदान है और हमारी इच्छा ये है कि हमारे नए बच्चे, हमारे वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर सब मिल करके एक बार फिर से पंतनगर विश्वविद्यालय को ऐसा ऊँचा स्थान दें कि दुनिया में फिर से जैसा इसका पहले नाम था वैसा नाम हो, इसी कल्पना से मैं यहाँ आया हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।